तो दोस्तों, कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि कभी तो नहा लिया करो, या फिर कभी तो फ़ोन कर लिया करो, या फिर कभी तो समय पर आ जाया करो। तो ये जो वर्ड है कभी तो कोई कार्य कर लिया करो, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर को पर, जिसमें आपको यूज करना है डू एवर का, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का आप ज्यादातर इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाएंगे। इसमें आपको अपने स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखना है डू एवर, और उसके बाद आपकी जो वर्ब है यानी कि जो भी आप कार्य उसमें बोलना चाहते हैं वो आपको इसमें लिख देना है, और उसके बाद आपके जो भी अपने सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो बचते हैं, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आपको अपने सबसे लास्ट में लिख देना है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले डू एवर, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद आपके अदर सब जो वर्ड हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कभी तो नहा लिया करो, इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, डू एवर टेक अ बाथ। अब यहाँ पर देखिए डू एवर आपका स्ट्रक्चर से आया है, उसके बाद आपका टेक है, और उसके बाद ए बात है जो कि आपके अदरवर्ड्स में गिना जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को, इस तरह की सेंटेंसेस को बनाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कभी तो फ़ोन कर लिया करो, डू एवर मेक अ कॉल, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी तो समय पर आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। डू एवर का मतलब होता है कभी तो कोई कार्य कर लिया करो। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कभी तो पढ़ लिया करो, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।